हाय, माय नेम इज डॉक्टर देवशीष शर्मा। आई एम अ प्रैक्टिसिंग स्पाइन सर्जन और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे आस्क डॉक्टर देवशीष के सेकेंड एपिसोड में। तो सेकेंड एपिसोड में सबसे पहला सवाल है जसवंत सिंह का। जसवंत जी ये पूछ रहे हैं हमसे कि क्या स्पाइन सर्जरी फिर से हो सकती है, वो एक बार शायद कोई स्पाइन सर्जरी करा चुके हैं। तो देखिए जसवंत जी, स्पाइन सर्जरी कोई बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम नहीं है। स्पाइन सर्जरी को दोबारा करने को रिविजन स्पाइन सर्जरी कहते हैं। रिविजन स्पाइन सर्जरी बहुत ही रेगुलर और नॉर्मल प्रोसीजर है। रिवीजन स्पाइन सर्जरीज जब किसी कोई स्पाइन सर्जरी फेल हो जाए या फिर कोई स्पाइन सर्जरी अच्छा काम ना करे या फिर कोई स्पाइन सर्जरी होने के बाद पेशेंट को उतना डिजायर्ड रिजल्ट ना मिले जितना डिजायर्ड रिजल्ट मिलना चाहिए, ऐसे केसेस में हम लोग रिवीजन स्पाइन सर्जरीज करते हैं। यदि आपकी पहले ओपन सर्जरी हो रखी है या माइक्रोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी हो रखी है और फिर भी आपको सिम्टम्स आ रहे हैं तो एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी बहुत अच्छा अल्टरनेटिव इसका हो सकता है। हालांकि कभी-कभी रिवर्स भी होता है कि आपकी माइक्रोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी हो रखी है या एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी हो रखी है और फिर भी आपको अच्छा रिजल्ट नहीं मिल रहा है, ऐसे केसेस में हम काफी पेशेंट्स की ओपन स्पाइन सर्जरी या मिनी ओपन स्पाइन सर्जरी करते हैं जिसमें कि स्क्रू और पेच की सहायता लेनी पड़ती है। तो इन शॉर्ट मेरा आंसर जसवंत जी को यही है कि एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी, माइक्रोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी या ओपन स्पाइन सर्जरी हमेशा की जा सकती है एक सर्जरी के बाद यदि जरूरत पेशेंट को पड़े तो। थैंक यू वेरी मच। आशीष छेत्री जी का सवाल है कि क्या स्पाइन सर्जरी के बाद हम लोग फिर से कार ड्राइव कर सकते हैं? तो देखिए, कार ड्राइविंग एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट पर्सपेक्टिव है आज की आधुनिक जिंदगी में। कार ड्राइविंग के बिना कई सारे प्रोफेशनल्स की लाइफ ऑलमोस्ट अधूरी होती है, क्योंकि कार ड्राइविंग के बिना इट इज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट टू कंटिन्यू लाइफ। कई लोग बहुत दूर तक कम्युनिकेट करते हैं, कई लोग बहुत दूर तक अपने काम के लिए रोज़ जाते हैं, और जिन लोगों की स्पाइन स्पेशली अनस्टेबल होती है ऐसे केसेस में पेशेंट्स को बहुत बैक पेन रहने पड़ता है और उस बैक पेन की वजह से वो लोग कार ड्राइव नहीं कर पाते। तो यदि आपका कोई फ्यूजन प्रोसीजर हो रहा है, अगर आपका कोई स्टेबलाइजेशन प्रोसीजर हो रहा है या अगर आपका कोई डीकंप्रेशन प्रोसीजर हो रहा है तो उसके बाद कार ड्राइव करना निश्चित रूप से संभव है और आप नॉर्मल इंसान की तरह कार ड्राइव कर सकते हैं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट सवाल जतिंदर सोहल जी ने पूछा है और उन्होंने पूछा है कि अगर उनकी माइक्रो डिस्केक्टमी और लेमिनेक्टमी हो रखी है तो क्या एंडोस्कोपिक डिस्केक्टमी से फिर से उनको रिलीफ दिया जा सकता है? तो देखिए, मेरा मानना ये है कि एंडोस्कोपिक डिस्केक्टमी एक बहुत ही सफल प्रोसीजर है और इस प्रोसीजर को करके पेशेंट को बहुत अच्छा रिलीफ दिया जा सकता है। रिवीजन स्पाइन सर्जरी के रूप में या फिर रिपीट स्पाइन सर्जरी के रूप में बड़े आराम से पेशेंट को बहुत अच्छा रिजल्ट दिया जा सकता है। इसमें कोई भी कॉम्प्लिकेशन या कोई भी सीरियस बात नहीं होती और मुझे ऐसा लगता है कि यदि आपकी माइक्रोडिस्केक्टमी या लेमिनेक्टमी हो रखी है तो एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी करना रिलेटिवली आसान होता है एज कंपेयर्ड टू ओपन या रिपीट माइक्रोडिस्केक्टमी करना, क्योंकि ट्रांसफोरामिनल रूट वर्जन रूट होता है, वहां से अंदर जाके नस को साफ कर देना रिलेटिवली एक आसान टास्क है। बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट सवाल नूर जी का है। नूर जी ने ये पूछा है कि उनको 30 डिग्री स्कोलियोसिस कर्व है और उनको कुछ लोगों ने सर्जरी एडवाइस की हुई है, क्या उनको सर्जरी के लिए जाना चाहिए? तो देखिए नूर जी से मैं ये कहना चाहता हूँ कि 30 डिग्री कर्व सिग्निफिकेंट कर्व होता है, लेकिन हमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि पेशेंट को असेस करना है, पेशेंट की लाइफस्टाइल को असेस करना है, पेशेंट की एज को असेस करना है। हमें यह देखना है कि पेशेंट इस कर्व के साथ अपना जीवन ठीक से व्यतीत कर पाएगा कि नहीं। और भी कुछ बातें इंपॉर्टेंट हैं। एक बात यह इंपॉर्टेंट है कि क्या इस कर्व की वजह से पेशेंट को कोई लंग में प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, क्या ये कर्व बहुत तेज बढ़ तो नहीं रहा और क्या ये फ्यूचर में पेशेंट को दिक्कत कर सकता है। यदि इन सारी बातों में कोई भी सीरियसनेस नजर नहीं आती तो मेरा मानना यह है नूर जी कि आप सर्जरी को कुछ टाइम के लिए अवॉइड भी कर सकते हैं, पर यदि इन सब चीजों में कुछ प्रॉब्लम है तो डिटेल्ड स्पाइन सर्जन के असेसमेंट के बाद
आप इस बात को डिसाइड कर सकते हैं कि आपको स्पाइन सर्जरी या फिर स्कोलियोसिस करेक्शन सर्जरी या डिफॉर्मिटी करेक्शन सर्जरी की जरूरत है। तो ये डिसीजन हमेशा पर्सनलाइज्ड डिसीजन होता है, जिसमें आप स्कोलियोसिस करेक्शन करने के लिए अपने स्पाइन सर्जन से मिलते हैं, डिटेल में एक्सरेज करते हैं, MRI CT स्कैन करते हैं, और फिर डॉक्टर साहब आपको ये राय देंगे कि क्या बेस्ट इलाज है। अगर आपको हमारे ये सवालों के जवाब पसंद आए, अगर आपको ये लग रहा है कि वीडियो इन्फॉर्मेटिव है, तो आप इस चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप हमसे नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों की फ्यूचर एपिसोड्स में आंसर करने की, और हम तत्पर रहेंगे कि सही जानकारी अपने दर्शकों तक ज़रूर पहुँचाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद।